बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया था किस तरीके से हमने एक ट्रैक सूट, एक टेक्सटाइल फॉर डिज़ाइन करनी होती है। और आज के इस लेक्चर के अंदर क्या नाम है, कुछ चीज़ें जो उसमें से मिसिंग थी और जो प्रॉब्लम दोस्त स्टूडेंट्स को पेश आ रही हैं, वो चीज़ें बताई जाएंगी ताकि आप लोगों के लिए वो प्रॉब्लम ज़्यादा पेश ना आए। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ बच्चों को उसके जो प्रॉब्लम थी कि जो यहाँ पे हो रहा था, ये बॉक्सेस वगैरह थे, इनके रिगार्डिंग प्रॉब्लम पेश आ रही थी कि हमारा जो वर्जन है वो सेम नहीं है। उस सिलसिले में ये हुआ होगा कि जो आपने इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उसने एक आपको ऑप्शन दी होगी कि आप लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लें, और आप लोगों ने उस ऑप्शन को चूज़ कर लिया होगा तो वो अडोब फोटोशॉप 7 नहीं हुआ होगा, वो अडोब फोटोशॉप का कोई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो गया होता। 7 पे सिखाने का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपके बहुत से स्टूडेंट्स के पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी, जो सिस्टम कैपेबिलिटीज़ हैं वो शायद इतनी तगड़ी ना हो, ठीक है ना। इसलिए मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को ये सिखाया जाए कि कम से कम सिस्टम के ऊपर कैसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 7th वर्जन था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, दैट वाज गुड इनफ। कुछ स्टूडेंट्स को इवन इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस लेवल पे अगर आप मौजूद हैं तो आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो करना आता होगा ना, उसको क्रैक फाइल उसकी पेस्ट करनी आती होगी, उसको रजिस्टर करना आता होगा। जब सब सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर दिया गया तो नेक्स्ट जो उसकी ड्यूटी है वो आपकी है। मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखा सकता आपको, बाकी तमाम चीज़ों के मतलब ज़रूर गाइड कर सकता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक बहुत बेसिक चीज़ है। एनी हाउ, मूविंग टू दैट पॉइंट, जब आपने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अडोब फोटोशॉप का 7th वर्जन ही कर रहे हैं, आपने कोई एडवांस वर्जन उसमें इंस्टॉल नहीं किया। तीसरी जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये आ रही है कि जो शायद लिंक सेंड किया गया है उसमें जो मेन वाला मॉकअप है शायद वो ठीक तरीके से अपलोड नहीं हुआ। तो आई विल अगेन सेंड अ लिंक टू नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइज, ताकि आपके पास वो लिंक मौजूद हो जिसमें मेन वाला मॉकअप भी मौजूद है। इन केस किसी को अगर मेन वाला मॉकअप नहीं मिल रहा, स्टिल अगर दोबारा मैं लिंक करने के बावजूद भी कोई उस मॉकअप में प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, आप वो फीमेल वाला ट्रैक सूट डिज़ाइन कर लोगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है ना। उसको आप डिज़ाइन कर लें, अल्टीमेटली तो आपकी उस एप्लीकेशन देखनी जो आपने पहली स्किल सीखी है। तो ये तीन इश्यूज पेश आ रहे थे जो स्टूडेंट्स को जो मैंने आंसर किए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं एड्रेस करना भूल गया था, ठीक है ना, उस वाले लास्ट वाले सेशन के अंदर। वो क्या थी कि लेट्स सपोज ये, अगर ये एक ट्रैक सूट है हमारे पास, लेट मी चूज दैट, ये हमारे पास एक ट्रैक सूट है। मैंने आपको ये तो सिखा दिया था इसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिज़ाइन किस तरह से लगाना है। यहाँ से हमने वो पार्ट चूज़ करना होता था। लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैंने ये डिफरेंट इसके पार्ट्स थे, ये लेफ्ट आर्म थी। अब मैंने यहाँ पर डिज़ाइन लगाना, तो मैं सिंपली फाइल ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद मैं ऑलरेडी इस पर डिज़ाइन लगा चुका हूँ वैसे, लेकिन लेट मी डू दैट फॉर यू टू, अगर लगता है तो लगा लेते हैं। मैंने ये ओपन किया और मैंने इसको पिक्चर को यहाँ पर फेंका, और मैंने इसको इसकी लोकेशन पे लेके आया। अब देखिए ये इसके बैकग्राउंड में आ रहा है, बैकग्राउंड में इसलिए आ रहा है, ये आपको कलर चेंज होता नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड में इसलिए आ रहा है क्योंकि इस पर ऑलरेडी एक चीज़ ये वाली लगी हुई है, ठीक है ना, ये वाली लेयर इस पर ऑलरेडी प्लांटेड है जिसके ऊपर ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप्स हैं। तो एनी हाउ मैं कंट्रोल जी करता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद जो मैं ये लेयर ऐड किया लेयर 3, इसको मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये तो ठीक लगी नहीं ना, मैं तो आम पे लगाने से इसको इसको मैंने डिलीट कर दिए। सबसे पहले मुझे यहाँ देखना है कि ये डिज़ाइन मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है। ये डिज़ाइन जो लगा हुआ है आर्म्स के ऊपर, ये मौजूद है हमारे पास डेफिनेटली किसी लेयर के अंदर पड़ा होगा। वो लेयर ये हमारे पास पूरा का पूरा सूट आ गया। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें कुछ कलर हो सकते हैं और कुछ का हम डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर, ओके आई थिंक सो वी गॉट दैट। ये लेयर 2 थी जो इसके राइट और लेफ्ट आर्म के ऊपर लगी हुई थी, मैंने अब लेयर 2 को डिलीट करने लगा हूँ। ओके अगर डिलीट लेयर 2 कर दूँ, इन नाउ दिस हैज़ बिन रिमूव नाउ, ठीक है ना। अब मैं जब लेफ्ट आर्म को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, तो मैं अपने वो वाली इमेज ओपन करूँगा जो शायद ऑलरेडी यहाँ पे ओपन ही है। फाइल ओपन, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, और जब मैंने इसको प्लेस किया है यहाँ पे तो अब मेरे पास ये इसके ऊपर आ रही है। अब आपको देख लेंगे इसका कलर चेंज होता नज़र आ रहा है,
मैं इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये सब कलर चेंज हो रहा है उसकी वजह से। इसको मज़ीद श्रिंक करने के लिए मुझे इसके जो स्केलिंग है उसको ज़्यादा बेहतर करना है, तो मैं इसको लेट्स को थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब जो वो डिज़ाइन था वो प्रॉपर, ये डिफरेंट कलर डिफरेंट शेड्स यहाँ पे दे रहा है शाम के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको डिज़ाइनिंग करना सिखा दिया था। बस का तब कहते हैं कि नहीं मुझे डिज़ाइन नहीं करना, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर ऐड करना है। तो कलर ऐड करने की क्या ऑप्शन होती है? कलर ऐड करने की ऑप्शन है कि मैं एंटर दबा देता हूँ, मैंने सेट कर लिया इसको, मैं इस लेयर टू को डिलीट कर देता हूँ। लेट्स सपोज आई एम डिलीटिंग दिस पर्टिकुलर लेयर। यस, अब आपने मेन बॉडी पे कोई डिज़ाइन चूज़ किया हुआ है, ये देखिएगा, ये राइट साइड पे देखिए टूल बॉर, पहले आए थे ये वाले पार्ट्स जिनके ये बैकग्राउंड खाली है ना, यहाँ पे आप डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं इनको चूज़ करके, जैसा हमने आपको सिखाया। अब नीचे वही पार्ट्स आ रहे हैं, कॉलर पार्ट्स, इलास्टिक, जैक, टीथ, टेप, कलर कफ, स्लीव्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पैंट्स वगैरह, तमाम चीज़ें। लेकिन इनके आगे ये कलर बॉक्सेस हैं। कलर बॉक्सेस का मतलब है कि यहाँ पे आकर कलर आप चेंज कर सकते हो इनका। लेकिन कलर चेंज करने का भी एक टेक्टिकल तरीकाकार है। लेट्स सपोज मैंने स्लीव चूज़ कर ली है। अब स्लीव में यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन है, तो ऑब्वियसली स्लीव चूज़ करना मुश्किल होगा। एनी हाउ मैंने स्लीव इसके चूज़ किए हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये ब्लू वाले पोर्शन के ऊपर, डबल क्लिक किया तो मेरे पास उसने एक पूरा कलर चार्ट ओपन कर दिया। क्या बताएं आप बाजू के कौन से कलर्स करना चाहते हैं? आप यहाँ से भी पेंटोन से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं इसको मूव करके, लाइक ऐसे यहाँ से शेड चेंज करके। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे इंडिगो कलर करना है उसका, ये मुझे कलर पसंद आया। एक और तरीका अगर होता है, आप अपने यहाँ मेन डिज़ाइन से कोई कलर पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ब्लैक को पिक करता हूँ तो ये ब्लैक कलर चूज़ हो गया। लेट्स सपोज कि मैं इस ब्लू को पिक करता हूँ तो ये ब्लू कलर पिक हो गया, ठीक है ना। कोई भी कलर पिक हो सकता है। लेट्स सपोज मैं वापस उसी फिलोसफी में चला जाता हूँ कि मुझे इंडिगो करना है इसको, तो मैं एक इंडिगो कलर की शेड चूज़ करने लगा, थोड़ा सा लाइट इंडिगो चूज़ कर लेता हूँ और ओके के बटन को प्रेस करता हूँ। अब आप कहेंगे सर आपने तो कलर चेंज कर लिया लेकिन यहाँ पे कोई उसका अफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। अफेक्ट कैसे आएगा? ये जो कलर वाले पोर्शन हैं ये उस पार्ट में पड़े हुए हैं जो कि मेन डिज़ाइन से नीचे है। जो कलर हमने ऐड किया बेसिकली वो इस लेयर के नीचे जा रहा है। हमें ये चीज़ यहाँ से क्लिक करके ऊपर लेके जानी पड़ेगी, कहाँ पर? इन डिज़ाइन से ऊपर, जहाँ पे ये डिज़ाइन मौजूद हैं, इन डिज़ाइन से ऊपर जाके मैंने इस चीज़ को जब फेंका है यहाँ पे, तो हुआ क्या है कि ये कलर चेंज हो गया। पहले मैंने कलर किया हुआ था लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा था। चेंज क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि वो प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कलर वाले पोर्शंस हैं, ये वाले पोर्शन जो से हैं, ये डिज़ाइन कंपोनेंट से नीचे पड़े हैं। डिज़ाइन की लेयर्स पहले हैं और डिज़ाइन की लेयर्स के बाद ये लेयर्स हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने सिंपली उनको पिक करना है, जैसा मैंने इसको पिक किया था। आपने इस सारी चीज़ को ले जाना है अपने डिज़ाइन कंपोनेंट से पहले पहले, और वो कौन से हैं? ये पार्ट्स मर्ज के बाद जो आते हैं यहाँ तक, आपने जब यहाँ पे उनको डालना है, ठीक है ना। तो आप ऑटोमेटिकली इनके कलर को आपने देख लिया चेंज करना है। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। मुझे ये पर्पल नहीं पसंद जनाब, मैं कहता हूँ मुझे ब्लैक चूज़ करना है, मैं ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं मुझे ब्लू चूज़ करना है, मैं ब्लू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा मुझे दोनों नहीं पसंद, मुझे येलो करना है कलर इसका, ये येलो चूज़ कर लेता हूँ। सो वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मैं इस तरह से पार्ट्स के कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने आपको आर्म्स का कलर चेंज करके दिखाया है, इस तरह से आप पार्ट्स के कलर चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम डिज़ाइनिंग सिखा दी थी लेकिन पार्ट्स का कलर चेंज करना नहीं सिखाया था। तो ये वीडियोज़ के लिए और आपकी तीन क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए। होपफुली आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी वंडरफुल एक्टिविटी फ्रॉम यू गाइज। हम डेडलाइन को इंक्रीज़ करें 2 दिन, फ्राइडे नाइट तक अब टाइम है। आप अपना डिज़ाइन मुझे व्हाट्सएप करोगे और उसकी बेस पे आपकी पहली इवैल्यूएशन होगी, आपकी पहली सेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये फर्स्ट स्किल है जो आपको सिखाई गई है। ओके, थैंक यू सो मच।